हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि जो एनसीएफ है आपका, इसमें से आपके हर बार जो है 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो आपके अप्रोक्स पूछे ही जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 को। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो या पेपर 2 के, वहां पर एनसीएफ 2005 जो है वो उसके क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो फुल फॉर्म है उसे भी आपको याद रखना है। एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहा जाता है। अब एनसीईआरटी जो है वो एनसीएफ जो 2005 है ये क्यों लेके आया? पहले तो ये 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, उसके बाद 2000 में आया। अब जो एनसीएफ है वो आपका 2005 वाला जो है वो लागू किया गया है। यह जो भी सिलेबस होता है उसमें सुधार लाने के लिए अपनाई गई एक सुधारात्मक कदम है। तो आपके जो संविधान की, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, वहां पर एनसीएफ की बात भी की गई है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम जो है वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले सिलेबस का जो अर्थ होता है वही होता है कोर्स ऑफ स्टडी। तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि जो करिकुलम है और को करिकुलम है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज हम एनसीएफ में ये चीज जान लेंगे कि जो करिकुलम है, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनका मन लगता है पढ़ाई में वो बच्चे, और जो बच्चे को करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि जो जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, बाकी अदर एक्टिविटीज में वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ही उनका कंक्लूजन जो है वो, मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। एनसीएफ 2000 हमेशा कहता है कि आपका जो लर्निंग है वो बिना बोझ के होगी। तो इसे आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एनसीएफ 2005 है, उसमें क्या कहा गया है, कौन कौन से वर्ड जो है जिनको इंक्लूड किया गया है, एनसीएफ के क्या उद्देश्य हैं, या वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं जिन पर हमें फोकस करना है। सबसे फर्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि किसी भी चीज का जो निर्माण है, बच्चे जो हैं वो अपने जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जिन चीजों को बनाते हैं। तो छात्र जो होते हैं, हमें उन्हें निष्क्रिय रहने पर मजबूर नहीं करना है। हमें उन्हें कैसा बनाना है, एक्टिव लर्नर बनाना है, क्योंकि वो कोई भौतिक वस्तु नहीं होते हैं जिन्हें हमें बोझ देकर उन्हें कोई चीज सिखानी है। उन्हें आप खुला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ देंगे, जिससे कि वो बहुत सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और बहुत सारी चीजों को वो सीख पाएंगे। सेकंड है आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। एनसीएफ में जो भी पाठ्यक्रम है, इस प्रकार का बनाया गया है कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, फ्लेक्सिबल लर्निंग, नो रोट मेमोराइजेशन। रटने की जो प्रणाली है वह मुक्त प्रणाली जो है यह अपनाई गई है एनसीएफ में, यानी रटन प्रणाली से मुक्त होना चाहिए पाठ्यक्रम। टीचर एज फैसिलिटर, टीचर का जो रोल है वो निर्देशक का ना होकर केवल फैसिलिटर का होगा, मार्गदर्शक का होगा। उसके बाद देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो भी लर्निंग कराई जाएगी वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए, शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। यह हमारे जो प्रोफेसर यशपाल का जो थ्योरी आई थी, जिसमें उन्होंने सूत्र दिया था कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ की होगी, ये भी एनसीएफ में इंक्लूड किया गया है। कनेक्ट लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो लर्निंग है उसे बाहर की दुनिया से जोड़ना है। ऐसा नहीं होगा कि क्लास के अंदर आप जो पढ़ाएंगे बच्चे केवल उसी चीज को सीखे, बल्कि क्लास के अंदर होने वाली, आप बुक्स के अंदर होने वाली कोई भी एक्टिविटीज को बाहर की, आउटसाइड की जो जिंदगी है उनसे जोड़कर पढ़ाएं। ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की स्वायत्तता, छात्र जो होते हैं वो अपने जो ऑटोनॉमी है इसको देखकर बहुत सारी चीजों को सीखें, यानी कि छात्र जो हैं उनको मजबूर ना किया जाए। पाठ्यक्रम जो है वो इतना लचीला होना चाहिए कि वो मानसिक स्तर के अनुसार हो, बच्चों को उस चीज से, आप इन चीजों के बारे में ध्यान में रखते हुए ही आप उन्हें जो भी पाठ्यक्रम है वो प्रोवाइड कराएं। तो अब जो एनसीएफ है वो यह हमेशा यही कहता आया है कि बच्चों का पाठ्यक्रम में भी सब क्रियाएं शामिल हो जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को पाने के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जो शिक्षक, यानी एक कलाकार के हाथ में जो ये
सिलेबस या पाठ्यक्रम जो होता है ये एक साधन होता है, ये एक रिसोर्स होता है जिसमें वह छात्र यानी पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुसार स्टूडियो जो होता है उसमें ढाल सकता है या स्कूल में डाल सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो आपकी एक जो राइटर थी वो कनिंगम, जिन्होंने ये कहा भी था कि कलाकार के हाथ में ये पाठ्यक्रम जो है भी एक साधन है जिसमें वह पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुसार स्टूडियो में ढाल सकता है। तो जो शिक्षक है उसके हाथ में जो छात्र होता है उसको इस तरीके के आदर्शों के अनुसार ही वह स्कूल की दुनिया में उसे ढाल सकता है, उसे इस तरीके का करिकुलम जो हो प्रोवाइड कराए। तो आपको 5 पॉइंट जो है वो अच्छे से एनसीएफ में याद रखने हैं कि हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म बनाया जाए, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, और बच्चों को जो लर्निंग है वो कनेक्ट की जानी चाहिए बाहर की दुनिया से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एनसीएफ 2005। तो आपके इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपके हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और इसके अलावा इसकी फुल फॉर्म जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के छोटे छोटे से टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।